अगर आप भी हो डिग्री होल्डर, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, तो अगर आप सोच रहे हो क्या आप यूके में आके जॉब कर सकते हो, तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं पर भी एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हो और ये सोच रहे हो क्या हम भी आके यूके में एज अ नर्स काम कर सकते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूके में कैसे आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो, यहाँ पे यूके में नर्स की सैलरी कितनी होती है, और अगर आप इंडिया से यूके आना चाहते हो एज अ नर्स तो इस पूरे प्रोसेस में आपको खर्चा कितना आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाते रहती हूँ, ताकि अगर आप यूके में आने वाले हो तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। सो गाइज, मुझे है ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि मैंने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर मैंने जीएनएम किया है, तो क्या मैं यूके में आके एज ए नर्स काम कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ही मुझे ना क्वेश्चन आए थे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का ये वीडियो बनाया जाए। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट प्लीज आप पूरा एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो सकती है। आज के इस वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया है, एक्सप्लेन किया है, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस को इजीली समझ सके, और अगर आप भी चाहते हैं यूके आके जॉब करना एज अ नर्स, तो आप भी इस प्रोसेस में आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यूके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, काफी सारे इन्फॉर्मेशन है, इसलिए पूरा एंड तक जरूर देखना। यूके का हेल्थ केयर सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, और जो इस हेल्थ केयर सिस्टम को संभालता है उसका नाम है NHS, यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस। यूके में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे इस NHS के ही हिस्सा होते हैं, इसी के पार्ट होते हैं। यूके में जितने भी लोग हैं, वो सारे ही लोग NHS में रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि कुछ तबियत खराब हो गया या कोई भी हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं, तो हमें NHS में जाके ही दिखाना पड़ता है। जब यहाँ यूके में आप पहली बार आओगे, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपके नियर बाई NHS में जाके, और जब आप रजिस्टर करोगे NHS में जाके, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, यानी कि जो आपका NHS नंबर होगा। अब मान लो आपका, जैसे मेरा एक NHS नंबर है, तो मेरे इस NHS नंबर में मेरे सारे हेल्थ रिलेटेड जो हिस्ट्रीज है उसमें एडेड रहते हैं, यानी कि मेरा सारा डेटा उस NHS नंबर को फीड करने से सब कुछ दिखा जाएगा कि मेरा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, या मेरा क्या हेल्थ कंडीशन है, या कोई वैक्सीनेशन, जैसे छोटा बच्चा है तो कोई वैक्सीनेशन पेंडिंग है या नहीं, वो सारी चीजें NHS नंबर से ही दिखा देती है। अगर आप किसी सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट कर रहे हो, तो भी आपका NHS नंबर सेम ही रहेगा, बस आपका ये जो है एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब आप अगर इसी NHS में एज अ नर्स काम करना चाहते हो, तो क्या प्रोसेस है अब हम जान लेते हैं। इंडिया में जब आप नर्सिंग की पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद आपको अपना लाइसेंस के लिए वेट करना पड़ता है। जब आपको आपका लाइसेंस मिलता है, तभी आप नर्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम यहाँ यूके में भी NMC एक होता है, जिससे कि आपको लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद ही आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। NMC का फुल फॉर्म होता है नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल। यूके में जितने भी नर्सेज हैं, उनका लाइसेंस NMC से ही होता है। अभी आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या आपका इंडिया वाला लाइसेंस यहाँ काम करेगा, या फिर दोनों क्या सेम ही है? तो नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। इंडिया में अगर आपके पास नर्सिंग लाइसेंस है, तो वो जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। यूके में वर्क करने के लिए आपको यूके के NMC से लाइसेंस लेना होगा। अब NMC में रजिस्टर्ड होने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? NMC में रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है, वो है आपका नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा। जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग की हुई है, या फिर आपने जीएनएम जो है डिप्लोमा कोर्स वो आपने किया है, तो आप यहाँ पे NMC में आके रजिस्टर हो सकते हो। अभी आप सोच रहे हो कि NMC में रजिस्टर होने के लिए डिग्री तो चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं? तो नॉर्मली 6 months to 1 year का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगते हैं, बट अभी जो है ना यूके में NHS में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए फ्रेशर्स को भी ले रहे हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो, तो टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप खुद भी NMC के वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप कोई एजेंट भी हायर कर सकते हो, किसी एजेंसी के थ्रू भी प्रोसेस करवा सकते हो, तो भी प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर देंगे। बट बस एक चीज है कि आप
आपको वो पैसे मांगेंगे, मतलब आपको उनको पे करना रहेगा, और साथ में क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर देख कर जो अच्छे जेन्युइन एजेंसी है ऐसे ही एजेंसी से आप अपना प्रोसेस करवाओ। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, क्योंकि यूके जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पे आपको पेशेंट्स के साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होगा, तो यहाँ पे इसलिए एनएमसी में रजिस्टर होने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने के दो तरीके हैं, एक तो है आइल्स, जो सबको पता है आइल्स के बारे में, और दूसरा है ओईटी, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। OET स्पेसिफिकली जो है मेडिकल फील्ड से जो लोग हैं, जैसे कि नर्सिंग के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए होता है। तो ये जो OET है ये एग्जाम पास करना थोड़ा सा इजी होता है नर्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है इसी से रिलेटेड आते हैं। तो पासिंग रेट जो है आइल्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो OET में पासिंग रेट ज्यादा है। अगर आप आइल्स का एग्जाम देते हो तो आइल्स जो है जनरलाइज होता है, यानी कि किसी भी टॉपिक में आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो यूके के बारे में हो, चाहे कुछ पॉलिटिकल के बारे में हो, कुछ किसी भी चीज में हो सकता है। लेकिन अगर आप OET दे रहे हो तो OET में एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल रिलेटेड या फिर नर्सिंग रिलेटेड ही आते हैं, जिससे कि ये एग्जाम पास करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अभी आप सोच रहे होगे कि इस एग्जाम में पास करने के लिए आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। तो सपोज अगर आप आइल्स देते हो तो आइल्स में ना चार मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। यूके में जॉब करने के लिए स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग में आपको 7 बैंड चाहिए होगा। राइटिंग में 6.5 भी आता है तो भी चल जाएगा। ये जो मार्क्स है ये आपको 9 बैंड में से मिलता है, 9 में से आपको 7 स्कोर करना ही होगा यूके में जॉब करने के लिए। OET में भी सेम ही होता है एग्जाम, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग में, बट OET में जो है ग्रेड दिया जाता है। OET में लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग में ग्रेड बी आना चाहिए आपको यहाँ यूके में जॉब करने के लिए, और राइटिंग में C+ ग्रेड भी आएगा तो भी चल जाएगा। तो जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है वो यही होता है एग्जाम क्लियर करना, चाहे आप आइल्स का दे रहे हो चाहे आप OET का दे रहे हो, सबसे टफ जो है यही होता है। एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो बाकी के सारे प्रोसेस जो है बहुत इजी होते हैं। वैसे ये एग्जाम भी बहुत ज्यादा इतना भी हार्ड नहीं होता है कि आप क्लियर ना कर सको, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, प्रिपेयर करोगे तो इजिली आप एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। एक बार आपने अपना रिक्वायर्ड ग्रेड या बैंड आपको मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा NMC के साथ। NMC में रजिस्टर करने के लिए भी दो स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप्स है वो है कि फर्स्ट में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको कुछ फीस भी पे करना पड़ेगा, वो अराउंड £140 है। आप चेक कर लेना, कभी कभी कम ज्यादा होते रहता है, बट अप्रोक्सीमेटली £140 आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद NMC एक मेल फॉरवर्ड करेगा आपके स्टेट काउंसिल में, जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहां के काउंसिल में वो एक मेल फॉरवर्ड करेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं वो फेक तो नहीं है, वो रियल है कि नहीं, सारे डिग्री जो आपने दिए हैं वो रियल है कि नहीं, यानी कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं उन सारे चीजों को वेरीफाई करने के लिए एक मेल करेगा। अब आपका जो स्टेट काउंसिल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। आपको उस समय 2-3 आपको रेफरेंस भी डालने होंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की हो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, जहां भी आपने जॉब किया हो अगर किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हो, तो 2-4 रेफरेंस आप दे सकते हो। आपका स्टेट काउंसिल जो है इन सारे चीजों को वेरीफाई करेगा और उस समय आपको एक फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो अलग अलग स्टेट में फीस भी अलग अलग होते हैं, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। किसी स्टेट में 3500 देना पड़ेगा, किसी स्टेट में आपको 1500, 2000, 2500 ऐसे अलग अलग फीस है, तो आप स्टेट वाइज जो है गूगल पे चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो स्टेट काउंसिल वापस जो है NMC को आपकी सारी चीजें जो है मेल कर देगा कि हाँ यहाँ पे सारी चीजें ओके हैं, सारी चीजें बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल प्रॉपर है सारी चीजें। तो आपका ये स्टेप जो है यहाँ पे हो जाता है डन। इस प्रोसेस को लगभग 14-15 days लग जाते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा गूगल करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हॉस्पिटल इंटरव्यूज। तो एजेंसी जो है आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएगी।
यहाँ पे NHS के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं और इन ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो जहाँ पे जिस भी हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और आप इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सकोगे क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, आपके फील्ड से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे और ये सारे जो क्वेश्चंस है आप इजीली यूट्यूब में देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, साथ में आप वेबसाइट वगैरह आर्टिकल वगैरह भी पढ़ सकते हो, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा आपको, बहुत इजीली आप क्लियर कर लोगे। तो जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आप इंटरव्यू दे देना, उसके बाद आपका इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है CBT। CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसके लिए आपको अराउंड 83 pounds फीस पे करना पड़ेगा। CBT जो टेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा इजी होता है, टफ नहीं होता है। इसमें आपको टोटल 4 hours मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और इसका प्रिपरेशन चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, इंटरनेट वगैरह में देख करके ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, या फिर जिस एजेंसी से आप करवा रहे हो एजेंसी भी आपको कई बार हेल्प करती है इसको इसके प्रिपरेशन के लिए। CBT का जो रिजल्ट है वो 24 to 48 hours में आपके पास आ जाएगा। अब हम NMC का सेकेंड पार्ट करेंगे जब हमारा CBT क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे जैसे कि CBT का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको PCC कराना रहेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसमें आपको 500 to 2000 मतलब 2500 के बीच में आ जाएगा क्योंकि देना पड़ता है। उसके बाद आपको मेडिकल चेकअप आपका होगा। मेडिकल चेकअप में बेसिकली यहाँ पे जो है टीवी जो स्क्रीनिंग है वो मांगते हैं, तो टीवी स्क्रीनिंग आपको कराना पड़ेगा। वो भी डिपेंड करता है आप जिस भी हॉस्पिटल से करा रहे हो तो उस हिसाब से फीस मतलब पैसे जो है डिपेंड करते हैं। कहीं जगह में आपको 2500 में भी हो जाएगा, कई जगह में 5000 तक भी आपको लग सकता है। प्लस आपको कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी और चाहिए रहेंगे जैसे कि आपको अपने फैमिली जो डॉक्टर हैं उनसे थोड़े बहुत कुछ हेल्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे तो आप NMC का जो है सेकेंड रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म फिल करके ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप वहां पे अपलोड कर देना, तो आपका ये स्टेप जो है डन हो जाएगा। तो जिस भी हॉस्पिटल में आपने इंटरव्यू दिया है ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उस हॉस्पिटल के पास चला जाएगा और उसके बाद उनका डिसीजन का टाइम रहता है, तो डिसीजन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 60 days अराउंड लगते हैं, तो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा वेट करना है। वो सारे चीजें आपके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वो जो है अपना डिसीजन आपको देंगे। 60 days में आपको डिसीजन मिल जाएगा और उसके बाद जो हॉस्पिटल है आपको ऑफर लेटर दे देंगे। ऑफर लेटर आपको साइन करके रिटर्न करना रहेगा कि हाँ आपने ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो सारा प्रोसेस अभी तक का मैंने बताया ये सारा प्रोसेस आपको इंडिया में बैठ के ही आपको करना है, इसके लिए आपको यूके आने की जरूरत नहीं है। यहां तक के प्रोसेस जो है आपका इंडिया में बैठ के आप इजीली कर सकोगे। एक बार जब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और आपने साइन करके भेज दिया तो उसके बाद जो ट्रस्ट है जो हॉस्पिटल है वो आपके लिए COS लेटर जनरेट करेगा। COS लेटर मतलब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी कि वो आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं यूके में आके रहने के लिए और जॉब करने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए होगा वीजा अप्लाई करने के लिए, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो खर्चा जो है ये उनका खुद का खर्चा है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा वीजा अप्लाई करना। ये जो वीजा है वीजा का टाइप होगा हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। वीजा आप चाहो तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है, या तो फिर आप किसी एजेंसी से भी करवा सकते हो, एजेंसी थोड़े से चार्जेस लेंगे और वो कर देंगे। वीजा अप्लाई करने के टाइम पे आपको कुछ फीस पे करना पड़ेगा, तो कई बार जो है NHS ट्रस्ट आपको वो वीजा फीस पहले से ही दे देते हैं या तो फिर बोलते हैं कि आप खुद से अप्लाई कर लो हम उसको बाद में रिफंड कर देंगे, तो ये जो वीजा फीस है ये आप पे कर देना, बाद में वो रिफंड हो जाएगा। एक बार आपने वीजा अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डिसीजन के लिए, लगभग 3 to 6 weeks का टाइम लगता है और इसके बीच में वीजा का डिसीजन आ जाता है। एक बार आपको वीजा का डिसीजन आ गया और आपको वीजा मिल गया तो उसके बाद फिर आप रेडी टू फ्लाई हो। तो यूके में आने के लिए आपको फ्लाइट बुक करना पड़ेगा, तो ये जो फ्लाइट बुक करने के जो टिकट्स के पैसे हैं ये रिफंडेबल होता है, ट्रस्ट आपको रिफंड कर देता है। उसके बाद आता है कि आप यहाँ पे आके रहोगे कहाँ, एकोमोडेशन। तो यहाँ पे जो NHS ट्रस्ट है वो आपको फ्री एकोमोडेशन देते हैं 3 to 6 weeks के लिए, यानी कि इतना वो आपको हेल्प कर देता है यहाँ इनिशियली आके सेटल होने के लिए। यहाँ पे आके आप NHS का जो एकोमोडेशन है वहां पे आप रह सकते हो और उसके बाद आपको खुद का
जो घर है वो ढूंढ लेना पड़ेगा। कुछ ट्रस्ट ऐसे भी होते हैं जो आपको कहेंगे कि आप खुद से रह लो, हम उसका जो पैसा है वो आपको रिफंड कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है आप एक बार जो है मेल कम्युनिकेशन करके पहले ही क्लियर कर सकते हो। अब आप ऑलरेडी यूके में आ चुके हो और आपने ऑलरेडी जॉब ज्वाइन कर लिया है, तो जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आप यहाँ पे एज अ नर्स ज्वाइन करोगे बैंड 4 में। बैंड 4 का मतलब होता है यहाँ पे जो पे ग्रेड होता है उसका अलग अलग बैंड होता है। तो जब आप यहाँ पे इनिशियली आओगे तब आप एज अ नर्स ज्वाइन करोगे बैंड 4 में, यानी कि आपका जो पे ग्रेड रहेगा, आपकी जो सैलरी रहेगी वो बैंड 4 की जितनी सैलरी है उतनी सैलरी आपको मिलेगी। यूके आने के बाद एक टेस्ट और आपको देना पड़ेगा, उसका नाम है ऑस्की टेस्ट। तो एक बार आपने ऑस्की टेस्ट पास कर लिया ना, उसके बाद आपका बैंड जो है बैंड 4 से बैंड 5 हो जाएगा। तो आपको सैलरी भी बढ़ जाएगी आपकी, आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपका ग्रेड भी बढ़ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बैंड 4 और बैंड 5 की सैलरी मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखा देती हूँ। सो गाइज, आप गूगल में खुद भी चेक कर सकते हो कौन से बैंड की कितनी सैलरी है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे 2023 का जो है लेटेस्ट है वही मैं दिखा रही हूँ। बैंड 1, बैंड 2, बहुत सारे बैंड है यहाँ पे। तो सारे बैंड्स की सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बैंड 4 की सैलरी अगर आप देखो तो यहाँ पे लेस देन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर है तो 25,147 pounds है। 3 प्लस ईयर्स अगर एक्सपीरियंस है तो 27,596 pounds है सैलरी। और बैंड 5 का अगर आप देखोगे तो लेस देन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो 28,407 है सैलरी। और 2 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो 30,639 pounds है सैलरी। 4 प्लस ईयर्स लोगों की 34,581 pounds है सैलरी। तो यहाँ पे बाकी बैंड्स की भी सैलरी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखो बैंड 6, 7, 8, 9 सबका आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब आपको ऑस्की एग्जाम देना पड़ेगा। तो कई लोग जो है ना ऑस्की का प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। जो आपने सीबीटी एग्जाम दिया था ना थ्योरेटिकल, उसी का प्रैक्टिकल वर्जन होता है ऑस्की। तो ऑस्की के लिए जो है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जो भी एनएचएस ट्रस्ट वगैरह रहता है ना, आपको ऑस्की के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे। और उसके बाद जब आप रेडी हो जाओगे टेस्ट देने के लिए तो आप जो है एग्जाम में अपियर कर सकते हो। तो आप बैंड 4 नर्स में काम करते रहोगे और ऑस्की के लिए आपको ट्रेनिंग मिलते रहेगी। तो जो एनएचएस ट्रस्ट है वो आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे। जैसे ही आप प्रिपेयर हो जाओगे तो आप ऑस्की के लिए एग्जाम दे सकते हो, ऑस्की का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपने ऑस्की का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका बैंड 5 हो जाएगा। अब ये जो ऑस्की एग्जाम का फीस है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। अराउंड इंडियन करेंसी में अगर आप पकड़ोगे तो लगभग 1 लाख रुपए के लगभग लग जाएगा। और अगर मैं पाउंड में बताऊंगी तो 800 pounds के आसपास इसका फीस है, तो काफी ज्यादा है। अब ये इसका जो फीस है, ये जो एनएचएस ट्रस्ट है ये आपको 2 times यानी कि 2 attempts के लिए आपको ये फीस वो लोग पे करेंगे। लेकिन अगर ये 2 attempts में आपने क्लियर नहीं किया तो 3rd attempt अगर आप करते हो तो आपको खुद से पैसे देने होंगे। यानी कि मल्टीपल टाइम आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो लेकिन 2 attempt तक आपको इसका जो ह्यूज फीस है वो एनएचएस ट्रस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगा, वो फीस पे कर देगा। बट 3rd attempt से आपको खुद का फीस खुद देना पड़ेगा अगर आपने क्लियर नहीं किया तो। जब तक आप ऑस्की का एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तब तक आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स नहीं काम कर सकते। एक बार आपने ऑस्की क्लियर कर लिया तो आप यहाँ यूके के रजिस्टर्ड नर्स में आ जाओगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स यूके में काम कर सकोगे। आपका बैंड भी इंक्रीज हो जाएगा, आप बैंड 4 से बैंड 5 में आ जाओगे, आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकोगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है तो बहुत सिंपल, बहुत ही इजी प्रोसेस है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, थोड़ा सा पेशेंस लेके और थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ आपको ये सारा चीज करना होगा। बस डेडिकेशन और थोड़ा सा पेशेंस, अगर ये दोनों चीज है तो आप इजीली ये सारा प्रोसेस कर सकोगे। पूरे प्रोसेस में अगर मैं बोलूं तो बस एक ही चीज थोड़ा सा मुश्किल है, वो है इंग्लिश टेस्ट। लेकिन उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इजीली क्लियर कर लोगे। ये जो पूरा प्रोसेस है अगर आप देखोगे तो ये जो सारा फीस है मैक्सिमम जो पैसे हैं वो आपका ट्रस्ट आपको रिफंड कर देगा।
तो बाकी के जो अगर मैं देखूं प्रोफेशन, तो किसी भी प्रोफेशन में इतने थोड़े से पैसे से आप यहाँ यूके आके नहीं जॉब कर सकते। बट ये जो एनएचएस है या नर्सिंग जो है, ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है या ऑक्यूपेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप थोड़े से पैसे से, मतलब ये पूरा प्रोसेस अगर आप शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको थोड़े से ही पैसे आपकी तरफ से देने पड़ेंगे, और मैक्सिमम जो है आपका ट्रस्ट ही आपको पैसे दे देगा या फिर रिफंड कर देगा। तो ऐसा इसलिए है कि एनएचएस या फिर नर्सिंग के जॉब में आपको थोड़े से ही पैसे आपके खुद के पॉकेट से जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ यूके में ना एनएचएस में बहुत ज्यादा डिमांड है, और इसलिए यूके की तरफ से एनएचएस जो ट्रस्ट है वो खुद से पे कर रहा है, खुद से सारी चीजें दे रहे हैं ताकि अच्छे नर्सेस जो है यहाँ पे आके जॉब कर सके। तो अगर आपने ऐसी डिग्री ले रखी है जो रेलिवेंट है और अगर आपका मन है यूके में आके जॉब करने का, तो आप इजीली प्रोसेस कर सकते हो, यहाँ पे आके जॉब कर सकते हो। ऑस्की क्लियर कर लिया तो आपका सारा प्रोसेस जो है खत्म हो जाता है यहीं पे, और आपका जो है एनएमसी से आपका एक पिन जनरेट होगा जो आपका खुद का पर्सनल पिन होगा जो कि आपको यहाँ का रजिस्टर्ड नर्स बनाता है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप भी ट्राई कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट। तो आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि किसी को इस वीडियो से हेल्प हो सके। और मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो भी आप मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगी आपके क्वेश्चंस के मैं रिप्लाई कर सकूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।